हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज निफ्टी देखे तो 89 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी 40 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो यहाँ पर दोनों में कॉन्ट्रा ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर आज की 5 मिनट के चार्ट की बात करें तो कल जो हमने यहाँ पर लेवल्स मार्क किए थे, कल की वीडियो अगर आपको देखनी है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ब्रेकडाउन लेवल जैसे ब्रेक हुआ, सुबह फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास सपोर्ट लेके ये ज़बरदस्त बाउंस बैक हुआ और वन वे हमें टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ एक ट्रेंड देखने को मिला। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, देख सकते हैं आप, फर्स्ट टारगेट के पास काफ़ी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को। जैसे ही इसको एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक कर दिया और भी ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो निफ्टी में जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए। अब कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को फिर एक बार देख लेते हैं। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको याद होगा हमने रेजिस्टेंस की बात की थी 19,850। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रहा था, डबल टॉप जैसा यहाँ पर पैटर्न बना था और आज भी देखिए उसी के पास ही आके जस्ट इसने इसको टच किया इस लेवल को और फिर नीचे आके ये क्लोज हुआ है, 765 पे क्लोज हुआ है। तो नीचे की तरफ सपोर्ट होगा अराउंड ये ब्लू लाइन जो कि 19,450 के पास है, ये सपोर्ट होगा और ऊपर ये 19,850 का रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और भी हमें अपसाइड मोमेंटम यहाँ से तेज़ होते हुए नज़र आएगी। तो फिलहाल एज़ पर डेली चार्ट हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लिया। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पर। 60 मिनट का ये चार्ट है, आप देख सकते काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है यहाँ से, क्योंकि 850 के पास से 19,850 के पास से 17 अक्टूबर के बाद हमें यह ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास एक सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 19,819, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 19,840 का और सेकेंड टारगेट होगा 19,862 का। टूवर्ड साउथ की तरफ हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा ये रेड कैंडल का जो लो है इसके जस्ट नीचे 19,719। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 19,695 और सेकेंड टारगेट होगा 19,672। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर देखते हैं। बैंक निफ्टी का ये चार्ट 5 मिनट का आप देख सकते हो, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए। सुबह ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, दो बार एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और ये नीचे आया लास्ट हाफ एन आवर में और फर्स्ट टारगेट ब्रेकडाउन लेवल के बाद अचीव हुआ। क्लोज देखिए कहाँ पर हुआ था, जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल हमने मार्क किया था उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए जो लेवल्स हमने मार्क किए थे। अभी 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में भी। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 44,067। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा 44,004 और सेकेंड टारगेट होगा 43,950। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 44,223, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 44,281 और सेकेंड टारगेट होगा 44,369, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, अंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट
ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें, ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।